हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये जो मॉक्सी कंपनी का हर्जट फ्लेजर है, इसे अपनी टू व्हीलर बाइक में कैसे लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और एक एक वायरिंग बताएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। वीडियो में बस बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको दूसरा वीडियो मॉक्सी कंपनी के हर्जट फ्लेजर के ऊपर नहीं देखना होगा। ये जो ओरिजिनल टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार के जलते हैं, और अब हम इसमें लगाने वाले मॉक्सी कंपनी का जो हर्जट फ्लेजर होता है वो लगाने वाले हैं, और इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार जलता है। आपने बहुत सारे बाइकों में देखा होगा दोस्तों, जैसे कि KTM स्पोर्ट बाइकों में देखा होगा, जो उनके जो इंडिकेटर होते हैं वो आसपास इस तरफ ब्लिंक करते रहते हैं, उस टाइप का ब्लिंकिंग करता है दोस्तों ये मॉक्सी कंपनी का हर्जट फ्लेजर। और ये 16 प्रकार के पैटर्न है, इसमें 16 प्रकार से ब्लिंक करता है दोस्तों। और इसे लगाते कैसे हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसे लगाने के लिए हमें ये जो सामने का मास्क है उसे बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से खोल लेना है दोस्तों। ये 3 स्क्रू की मदद से खुल जाता है, ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने उस तरफ का खोल लिया, इस तरफ का खोल लिया। अब इसके नीचे में एक और लगा हुआ होता है जो कि 10 नंबर पट्टी पाने की मदद से खुलेगा दोस्तों, ये देख सकते हो। इसे भी हमें बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से खोल लेना है दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा मास्क है इसे हम निकाल लेंगे, और इसे निकाल करके हम एक तरफ साइड में रख देंगे ताकि ये टूटे ना दोस्तों, और बीच में हमें दिक्कत भी ना करे। और अब आ जाती है बात इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं दोस्तों, ये जो मॉक्सी कंपनी का हर्जट फ्लेजर है इसकी वायरिंग कैसे होती है। ये जो दो वायर दिख रहे दोस्तों, ब्लैक और रेड वाले, ये प्लस और माइनस मेन सप्लाई के वायर हैं, और ये जो दो पीले वाले दिख रहे हैं दोस्तों, ये मॉक्सी कंपनी के आउटपुट वायर हैं, जो कि एक पीला वाला वायर एक तरफ के दोनों इंडिकेटर में जुड़ जाएगा और एक पीला वायर एक तरफ के दोनों इंडिकेटर में जुड़ जाएगा प्लस पॉइंट में दोस्तों। अब शुरू करते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। हमें वायरिंग करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले ये जो इंडिकेटर का वायर आया हुआ है रेड वाला, इंडिकेटर से जो दो वायर आए हैं उसे ट्रेस कर लेना है हमें, कौन सा वायर माइनस है कौन सा वायर प्लस है। ये देख सकते हो हमने ट्रेस कर लिए हैं, इस तरफ के इंडिकेटर से ये दो वायर निकले हैं, जिसमें से हम प्लस वाला वायर निकाल लेंगे, और इसमें ये हर्जट फ्लेजर का जो येलो वाला वायर है उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ देंगे दोस्तों, जो कि इंडिकेटर का प्लस वाला वायर होगा उसमें हम एक तरफ के एक इंडिकेटर में जोड़ देंगे, तो एक तरफ के दोनों इंडिकेटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो ये भी ब्लिंक करेंगे और पीछे के भी ब्लिंक करेंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले जो इंडिकेटर है उसका भी रेड वाला प्लस पॉइंट निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से इसकी वायरिंग हो जाती है दोस्तों, इसे भी हम लगा लेंगे जो कि कुछ इस प्रकार लग जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास ये ब्लैक वाला वायर है इसे हम ग्रीन वाले में जोड़ देंगे दोस्तों। आप चाहोगे तो बॉडी अर्थ में भी जोड़ सकते हो, क्योंकि टू व्हीलर बाइक कोई भी हो उसकी बॉडी में भी माइनस पॉइंट आते रहता है दोस्तों। अच्छा, हमने यहाँ पे ग्रीन वाले में जोड़ दिए जो कि हमको लगा ये माइनस पॉइंट है। बहुत ही इजी होता है दोस्तों, हमने वायर कहीं से भी कट नहीं किए हैं, बस ये जो सॉकेट है इसे निकाले हैं, इनके बीच में फंसाए हैं कुछ इस प्रकार से, और इसे जैसा का वैसा लगा दिए हैं दोस्तों। अगर हम वायर कट करते हैं तो उसमें टेप भी लगाना होता है, हम टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सॉकेट से निकाल कर ही सॉकेट में हमने प्लस किया है दोस्तों। अब हमारे पास ये जो तीन वायर है इनकी सप्लाई कनेक्ट हो गई है, ये देख सकते हो हमने इंडिकेटर के प्लस में एक वाला येल्लो वाला जोड़ दिए, इस तरफ के इंडिकेटर के प्लस में हमने दूसरा येल्लो वाला जोड़ दिए, और ये ब्लैक वाला है इसमें हमने ग्रीन वाला जोड़ दिए जो कि हमारा माइनस है दोस्तों टू व्हीलर बाइक का। और अब बच जाता है हमारे पास ये जो प्लस वाला वायर है जो कि हम चाबी के रिटर्न वायर में जोड़ेंगे आउटपुट वाले में, और ये जो बाजू में एक स्विच लगा दिए दोस्तों जिससे जो हमारे चारों इंडिकेटर है ऑन ऑफ होंगे, उसके जो दो वायर होते हैं एक वायर हम प्लस वाले वायर में जोड़ देंगे, और अब बच जाता है दोस्तों इसका दूसरा वायर स्विच का, जो कि दूसरा वायर है हम उसे जोड़ देंगे चाबी स्विच के रिटर्न वाले ब्लैक वाले वायर में। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक वाले वायर होते हैं दोस्तों, आप कोई भी ब्लैक वाले वायर में जोड़ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, हम जोड़ देंगे दोस्तों। आपको दिखाते हैं अंदर में एक ब्लैक वाला वायर है जो कि चाबी हम जैसी ऑन करेंगे तो उसमें करंट आता है, चाबी स्विच से रिटर्न वाला वायर दोस्तों, ये देख सकते हो हमने इसमें येलो और ग्रीन वाला जोड़ के रखा है पहले से, ये देख सकते हो ये वाला वायर है दोस्तों। अब इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम हर्जट फ्लेजर का जो पॉजिटिव वाला था और जिसमें हमने स्विच जोड़े हैं बीच में उसमें जोड़ देंगे, और ये देख सकते हो दोस्तों हमारी चाबी ऑन थी और ये हमारे इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं,
और अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों ये जो ओरिजिनल टाइप से कैसे काम करते हैं, ये देख सकते हो जैसा ओरिजिनल काम करता है हमारा इंडिकेटर वैसा ओरिजिनल काम करेगा दोस्तों। और याली स्विच हम बंद कर देंगे और याली स्विच से हम ऑन करेंगे तो ये चारों इंडिकेटर हमारे एक साथ ब्लिंक करेंगे, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार। और जितने बार हम इसको ऑन ऑफ करेंगे उतने बार इसके पैटर्न चेंज होते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। मॉक्सी कंपनी की डब्बी होती है जो कि ऑनलाइन मिल जाती है और ये स्विच होती है, इससे एक बार में चारों इंडिकेटर ऑन होंगे दोस्तों। और ब्लिंक करने के लिए या फिर इसका पैटर्न चेंज करने के लिए हमें स्विच को हर बार दबाना पड़ेगा दोस्तों, और हर बार अलग अलग हमें नए वाला पैटर्न मिल जाएगा जिससे हमें राइडर वाला फील आएगा दोस्तों, जो कि स्पोर्ट बाइक के इंडिकेटर में होता है दोस्तों। इधर इधर लेफ्ट राइट एक साथ चारों ब्लिंक करना दोस्तों, पार्किंग लाइट जैसे भी कर सकते हैं हम। और ये सब ये स्विच का खेल है दोस्तों, इस स्विच को हम एक बार ऑन और ऑफ करेंगे तो ये जो हमारी स्विच है इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा दोस्तों। और कुछ इस प्रकार होती है हमारी टू व्हीलर बाइक में मॉक्सी कंपनी के हर्जर्ट फ्लेजर की वायरिंग दोस्तों, आप भी बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल में आए हुए हैं, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनते हैं दोस्तों ऐसे वाले वीडियो, तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।